अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यास्मीन। आज मैं मटकी फलना का सलना बनाने जा रही हूँ। चलिए मटकी फलना का सलना बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फिर बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। मैंने यहाँ 1/4 किलो मटकी फली ली है। देखिए इसे तोड़ लिया है, इसे गवार भी बोलते हैं, हमारे साइड इसे मटकी फली बोलते हैं, कन्नड़ में इसे चौड़ी कई बोलते हैं। ये तकरीबन 1/4 किलो है, अच्छे से तोड़ लिया है इसे। मैंने यहाँ 1 मुट्ठी भर मूंगफली लेके उसे रोस्ट कर लिया है, भून लिया है और भून के ऊपर का छिलके को निकाल दिया है। यहाँ पे हरा धनिया लिया है, इसे फाइनली चॉप कर लिया है, 2 बड़े खाने के चम्मच जितना है। यहाँ 1 टेबल स्पून जितना हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, आपको जितना तीखा चाहिए उतनी हरी मिर्ची और 1-4 लहसुन की कलियां डाल के मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लीजिए। यहाँ पे 1 बड़ा प्याज को चॉप कर लिया है, यहाँ 1 बड़ा टमाटर को चॉप कर लिया है, यहाँ थोड़े करी लीव्स लिए हैं, कड़ी पत्ता, नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, हल्दी ली है 1/2 छोटी चम्मच, जो रोस्ट करके रखी हुई मूंगफली थी इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे या फिर सिलबट्टे में कूट लीजिए। मैं इसे पीस के लाती हूँ। ये देखिए मूंगफली को मैंने पीस लिया है हल्का सा दरदरा। गैस पे मैंने तवा रखा है और ये इसके ऊपर डाल के भून लेंगे, मीडियम फ्लेम रख के भून लीजिए। जैसे इसके ऊपर स्पॉट्स पड़ना चाहिए काले काले, तब तक भून लेंगे इवनली, चम्मच घुमाते हुए भून लीजिए। ये देखिए ये भून लिया है, हर एक पे स्पॉट्स पड़े हैं और अच्छे से भून चुकी है ये मटकी फली। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। देखिए गैस पे कढ़ाई रखी है, उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखा है। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे, हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने तक इसे पका लेंगे। देखिए प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुके, अंदर करी लीव्स डाल देंगे, कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे करके, ये टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देखिए टमाटर हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्ची लहसुन पीस के। अब इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, अब इसके अंदर नमक डालेंगे, अब इसके अंदर हल्दी इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस जो मटकी फली थी वो डाल देंगे। देखिए भुनने के बाद मैंने इसे 1-2 पानी से धो लिया है, धो के पानी पूरा स्ट्रेन करके अब इसके अंदर डालेंगे ये। इसे पानी को स्ट्रेन करके डालिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि और थोड़ा अंदर ग्रेवी चली जाए। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के धीमी आँच पे पका लेंगे 1-5 मिनट के लिए, जब तक ये पानी पूरा सोख कर ले तब तक। देखिए धीमी आँच पे मैंने ऐसे पका लिया है इसे। अब इसके अंदर ये पीस की रखी हुई मूंगफली डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब प्लेट ढक के और 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे इसे धीमी आँच पे। 2 मिनट के लिए पका लिया इसे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब गैस को बंद कर लेंगे, सब्जी रेडी है। देखिए मटकी फलने का सलना बनके तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से बनाइए सूखा मटकी फलने का सलना, इसे आप चपाती के साथ, रोटी के साथ इसका मजा ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।